नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आगामी त्योहार के मद्देनजर जनपद में धारा 144 हुई लागू। जनपद सहारनपुर में दीपावली त्योहार के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आदेश जारी करते कहा कि दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने का समय 8 बजे से 10 बजे यानी कि 2 घंटे तक का रहेगा। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बाइक सवार को अज्ञात कार ने मारी टक्कर, मौका पाकर चालक हुआ फरार। थाना मिर्जापुर पोल के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक बाइक सवार को अज्ञात फॉर्चुनर कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के तहसील बेहट सचिव शाहनवाज सिद्दीकी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते चालक को पकड़वाने की अपील की। थाना मिर्जापुर पोल क्षेत्र में चल रहे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ग्लोकल यूनिवर्सिटी एवं के यूर हर्बल रेमेडीज के सौजन्य से एमपीएल 4 सीजन का बहुजन समाज पार्टी भेंट। विधानसभा प्रभारी रईस मलिक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें सागाखेड़ा व सैफ क्लब की टीम के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस मौके पर बसपा बहेट विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट बबलू कुमार, पूर्व प्रधान पति जावेद इकबाल, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर केसर अराफत व अन्य लोग मौजूद रहे। 16 नवंबर को होगा वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आने वाली 16 नवंबर को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चक्राता रोड के परिसर में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITC मिशन सुनहरा कल व आदर्श सेवा समिति के संयुक्त प्रयासों द्वारा एक वृहद मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में लगभग 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी और भाग लेने के लिए सभी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। गोबर से पेंट बनाने का संयंत्र लगाएगा नगर निगम। गाय के गोबर से निर्मित दीयों की बिक्री के लिए निगम ने लगाए स्टॉल। सहारनपुर के लोगों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही एक और कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम गाय के गोबर से पेंट बनाने का संयंत्र लगाएगा। ये पेंट न केवल इको फ्रेंडली होगा बल्कि लोगों को घातक बीमारी वाले जीवाणुओं से बचाने में भी मदद करेगा। नगरायुक्त ने सोमवार को नगर निगम परिसर में गाय से निर्मित दीयों के स्टॉल का भी शुभारंभ किया। मिर्जापुर कस्बे में हुआ जोया मेडिकल स्टोर का शुभारंभ। मिर्जापुर कस्बे के शेरपुर पेलो रोड पर स्थित जोया मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर फरमान चौधरी ने कहा कि हमारे मेडिकल स्टोर पर गरीब बेसहारा लोगों का हर तरीके से पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनको सस्ते दामों पर हर प्रकार की दवाइयों का वितरण कराया जाएगा। इस दौरान हाफिज मोहम्मद खलील शेरपुर पेलो, चौधरी मोहम्मद नाजिम ठेकेदार, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर सूफियान समाजवादी पार्टी तहसील बेहट सचिव शहनवाज सिद्दीकी व अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रहों के संयोग से धनतेरस पर आज बाजार में होगी धनवर्षा। इस बार महालक्ष्मी का पंच पर दीपोत्सव त्रिपुष्कर योग में शुरू होगा। आगामी 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव में भिन्न भिन्न देवी देवताओं का पूजन होगा। तो वहीं धनतेरस कल यानी कि 2 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन योग और ग्रहों का सहयोग अति शुभ और 3 गुना फल देने वाला है। विशेष तौर पर व्यापारियों के लिए धनतेरस सफलता के लिए सौगात लेकर आ रहा है। रक्तदान करने से शरीर में बनता है नया खून। सोमवार को आज ननोता CHC पर ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के रक्त शिविर में CHC प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से किसी की भी जान को बचाया जा सकता है। इस दौरान शिविर में 18 CHW कार्यकर्ताओं सहित 20 लोगों ने रक्तदान करते हुए लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्वयं रक्तदान करने के साथ ही लोगों को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। 2 किलो डोडा चूर्ण सहित तस्कर हुआ गिरफ्तार। थाना ननोता पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक तस्कर को
हजारों रुपए की कीमत के डोडा पोस्ट चून के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना अध्यक्ष सोबीर नागर ने बताया कि जनपद में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ननोता थाना पुलिस ने तस्कर वाजिद पुत्र इरशाद निवासी आर्य नगर जिला शामली को 2 किलो डोडा पोस्ट चून के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिर्जापुर कस्बे की मेन मार्केट में हुई दुल्हन ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग। थाना मिर्जापुर कस्बे की मेन मार्केट में स्थित दुल्हन ब्यूटी पार्लर का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ करने पहुंचे मिर्जापुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हुसैन अली ने फीता काट कर किया। इस दौरान उनके साथ दुल्हन ब्यूटी पार्लर की संचालक शहराज मलिक, डॉक्टर रियाज हुसैन, हसन अली, डॉक्टर मसीउल्ला, शाकिर हुसैन, शहजाद मलिक, अलीम सोनी, सादा मलिक, डॉक्टर मोनी शेख व अन्य लोग मौजूद रहे। कमलेडीन आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।